हे यो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट अरुण। तो फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं स्वीट होम सीज़न 2 कैसा लगा मेरे को। मैंने अभी रिसेंटली ख़त्म किया है और इसके अंदर क्या क्या स्टोरी है, तो फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि सीज़न 2 देखने के लिए आपको सीज़न 1 देखना पड़ेगा, क्योंकि सीज़न 1 की एंडिंग से ही हमारा सीज़न 2 स्टार्ट होता है। और इसमें टोटल 8 एपिसोड है, जो सारे एक एक घंटे के एपिसोड हैं, तो मतलब अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा इसको देखने के लिए। सेकेंडली मैं आपको बता दूं कि इसको वो बंदे दे सकते हैं जिनको मॉन्स्टर एक्शन थ्रिलर ड्रामा देखने में इंटरेस्ट है, बट बाकी जो सीज़न 1 की जो लेवल है उसको बिल्कुल ये मैच नहीं कर पाया। क्योंकि जैसे जैसे हमारा ड्रामा स्टार्ट होता है, तो शुरू के 4 एपिसोड तो मतलब कि नेक्स्ट लेवल है, मज़ा आ जाएंगे आपको देखने के। लेकिन उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसको साइड कैरेक्टर बना दिया जाता है, और एक साइड कैरेक्टर को उठा के मेन कैरेक्टर में बता दिया जाता है, और उसी पे सारी स्टोरी चलती रहती है। फिर लास्ट में हमारे मेन कैरेक्टर वापस लाया जाता है, तो ऐसे ऐसे करके ये ड्रामा चलता रहता है। इस ड्रामा का मतलब कि 4 एपिसोड के बाद एक सस्पेंस क्रिएट होगा, सस्पेंस पूरे ड्रामा के एंड तक सस्पेंस चलता रहेगा, और ड्रामा ख़त्म हो गया और हमारा सस्पेंस एज इट इज़ रहता है। मतलब सस्पेंस ख़त्म किया ही नहीं ड्रामा ने। और जो कैरेक्टर्स आते हैं, तो कैरेक्टर्स डेवलपमेंट भी जो लास्ट ड्रामा था, जो सीज़न 1 गया था हमारा, उसमें जो कैरेक्टर को प्रॉपर टाइम दिया गया था, लेकिन इसमें जो कैरेक्टर्स है वो बस आ रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं ड्रामा में, बट उनका जो डेवलपमेंट है, मतलब ये क्यों आ गया, ये सडनली क्यों इतना ऊपर आ गया, वो दिखाया नहीं है। और बाकी वही है, सस्पेंस पे चलाते रहते हैं पूरी स्टोरी को। तो पर्सनली मुझे तो ये ड्रामा उतना अच्छा लगा नहीं। VFX तो इसके मतलब कि डाउन टू अर्थ है, बिल्कुल भी बेकार, मतलब कि बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा VFX देखने में। थोड़ा बहुत फाइटिंग सीन है, जो एक दो है, मुझे अच्छा लगा, बस वही देख के मैंने टाइम पास किया। बाकी दिमाग तो इस ड्रामे को आप लगाने मत दिमाग इस ड्रामे में, क्योंकि सस्पेंस में रहोगे आप, पूरा ड्रामा ख़त्म हो जाएगा और सस्पेंस वैसा का वैसा ही रह जाएगा। आपको कुछ समझ में नहीं आया क्या चल रहा है, ये 4 एपिसोड के बाद तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है भाई, क्या कर रहे हैं ये लोग, बस चले जा रहा है ड्रामा। तो उतना खास नहीं लगा मेरे को ये, जो एक्सपेक्टेशन मैं लेके गया था अपनी सीज़न 1 के बाद, बट बिल्कुल भी फुलफिल नहीं हुई। तो मैं तो अब आके आपके ऊपर, आप देख सकते हो ड्रामे को, मैं तो बिल्कुल आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वैसे इसका सीज़न 3 आने वाला है, तो आप उसके लिए इसको देख सकते हो, बट वो है कि अपना दिमाग मत लगाना इस ड्रामे को देने, बिल्कुल दिमाग यूज़ मत करना, बस देख लो ऊपर ऊपर से, जितना समझ में आ रहा है समझ में आ गया, जितना नहीं आया नहीं आया, क्योंकि वो डायरेक्टर को नहीं पता मैं उसने क्या किया है। जो स्टोरी लिखी है, स्टोरी भी बिल्कुल समझ में नहीं आती, स्टोरी की लिखना क्या चाहता भाई, कहना क्या चाहता डायरेक्टर जो है वो कहना क्या चाहता है, कुछ समझ में नहीं आता, बस सस्पेंस ही सस्पेंस क्रिएट होता रहता है। तो पर्सनली मुझे तो ये ड्रामा इतना खास लगा नहीं। बाकी आप बता रहे हो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। बाकी दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो हमारे माई डेवन पर आने वाली, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर से, ठीक है ना। ओके बाय गाइस, ओके बाय।